This story is brought to you by tapeatale.com. तो अगर पहला इश्क जख्म था ना, पहला इश्क अगर जख्म था तो दूसरा इश्क मलहम। अगर पहले इश्क ने मुझे सिखाया कि मुझे क्यों प्यार करना चाहिए तो दूसरे इश्क ने मुझे सिखाया कि मुझे क्यों प्यार करना चाहिए। आपने कभी किसी नई माजा की बोतल के खाली हो जाने पर उसमें पानी भर के पिया है? तो अगर पहला इश्क उसमें भरे आम रस के जैसा होता है ना, तो दूसरा इश्क उसमें पानी जैसा, जिसमें महक और फ्लेवर तो उसी की होती है पर शायद स्वाद नहीं आता। और ये कहानी मेरे इसी पहले दूसरे इश्क की है। तो जब पहली मोहब्बत बिखर गई थी ना, तो ये तय किया था कि अब किसी को घर छोड़ के आने के बाद वापस पलट कर नहीं देखना, अब दोबारा घड़ी नहीं पहने, क्योंकि अब अगर घड़ी के कांटे किसी के दुपट्टे में उलझे ना तो शायद सुलझ नहीं पाएंगे। अब अपने करियर पे ध्यान देना और अपने सपनों को तवज्जो देनी है। तो पढ़ाई की और एग्जाम देने का फैसला किया। एग्जाम की डेट तय हुई 4 दिसंबर, शहर जयपुर। जयपुर की ट्रेन पकड़ी और जयपुर की ओर निकल गया। 2 स्टेशन तक ना कोई ट्रेन पे चढ़ा ना कोई उतरा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तूफान के पहले की शांति। और 3रे स्टेशन पे एंट्री हुई उनकी, मीरा राजपूत। कद 5.5 फीट, एक वाइट कलर की शर्ट, एक ब्लू डेनिम, कानों में ईयरफोन्स, आंखों पे एविएटर्स, बाल खुले और हर उस एक चुंगम की बाइट पे बेशुमार कूलनेस। ऐसा लगता था ना, वो लगभग ताजमहल जैसी ही थी जिसे केवल मोहब्बत के लिए बनाया गया हो, जिसे देखकर खुश हो जा सकता हो पर अपना नहीं बनाया जा सकता। मैं अक्सर खुदा से पूछता हूं ना कि ये 2 कान 2 आंख, 1 नाक और 32 दांत वाले कॉम्बिनेशन तो हम सबके पास है ना, फिर क्यों कुछ लोगों की कॉम्बिनेशन इतनी परफेक्ट, इतनी तबाही होती है। बहरहाल उनके B1 में एंट्री करते ही लगभग सारी लेडीज ने जलन के मारे लिपस्टिक का टचअप कर लिया था और लड़कों ने इंप्रेशन के मारे अपने बाल संवार लिए थे, पर मैं, भाई तुम्हारा सख्त है, मैं अभी अपनी किताबों में उलझाई हुआ था कि अचानक वो मेरे पास आई और बोली कि एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका ये लोअर बर्थ ले सकती हूँ? अब देखो मैं हवाई जहाज में तो बैठा नहीं था जो खिड़की के बाहर के बादल इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, तो मैंने कहा ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं, आप ले लें। फिर वो खिड़की के बाहर देखने लगे और देखते देखते अचानक मेरी ओर मुड़ी कि क्या तुम राइटर हो? मैंने कहा हाँ, पर आपको कैसे पता? उन्होंने कहा कि बस पता है। मैंने पूछा आप क्या करती हैं? उन्होंने कहा कि बरखुरदार, इंट्रोडक्शन करने के सिलसिले में सबसे पहले नाम पूछा जाता है, तो नाम पूछो तुम मेरा। ठीक है, तो नाम क्या हुआ आपका? उन्होंने कहा मीरा। और फिर जैसे मीरा रुकी ही नहीं, उन्होंने लगभग मुझे सब कुछ बता दिया, जैसे कि विराट कोहली उन्हें कितना पसंद है, जैसे कि कैसे वो क्लास 8 में पहली बार अपनी साइकिल से गिरी थी और अपना घुटना छिला लिया था, कि जैसे उन्हें कद्दू बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे कद्दू हम में से किसे पसंद है? उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें कोल्ड कॉफ़ी काफ़ी पसंद है। और बताते बताते अचानक मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? हमने कहा कि कोल्ड कॉफ़ी तो नहीं, हाँ पर चाय के बड़े शौकीन हैं हम, वो भी एक्स्ट्रा अदरक वाली। शाम को चाय का वक्त हुआ तो मैंने चाय खरीदी। चाय जब खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि चाय के पैसे। मैंने कहा कि कद्दू और कोहली के बीच ये पैसे कहाँ से आ गए? हम ये लेजी और लापरवाह लोगों की एक कॉम होती है जो अक्सर बैग से लैपटॉप या किताबें निकाल लेने के बाद चेन बंद करना भूल जाते हैं। तो रात का जब वक्त हुआ और मिडिल बर्थ उठाई गई तो बैग से मेरी चीज़ें फर्श पे जा गिरी। फर्श से मैंने चीज़ें उठाई, फ्लैशलाइट में अपने मोबाइल को, और किसी तरह बैग में रख के अपने बर्थ पे सोने चला गया। 6 बजे जब ट्रेन जयपुर पर लगी तो असंख्य लोगों का हुजूम चढ़ गया ट्रेन में। किसी तरह जद्दोजहद करते हुए मैंने अपना बैग टांगा और प्लेटफॉर्म पर उतर गया। पर फिर याद आया कि मीरा को तो अलविदा कहना ही भूल चुके हैं। पर यह भी तो तय किया था ना कि अब किसी को छोड़ के आने के बाद वापस पलट कर नहीं देखना है। तो अपने सेंटर की ओर निकल गया। इम्तिहान चालू होने में 1 घंटा था तो बैग से जैसे कि ID प्रूफ, पेंसिल, इरेजर, पेन वगैरह निकालने लगा तो मेरे होश और तोते दोनों उड़ गए क्योंकि मेरा एडमिट कार्ड नदारद था। एक अनजान शहर में जब आपका एग्जाम 1 घंटे में चालू हो और आपका एडमिट कार्ड आपको ना मिल रहा हो ना, तो टेंशन गॉड लेवल की होने लगती है। मैंने एग्जाम ऑफिशियल से बात, बैग और रिक्वेस्ट तीनों की, पर उन्होंने कह दिया नहीं।
हताश बैठा ही था कि पीछे से आवाज़ आती है, राइटर साहब कुछ खोज रहे हैं क्या? मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पे मीरा खड़ी थी, हाथों में एडमिट कार्ड ली। और बस उसी पल लगा जैसे कि यही तो वो चीज़ है जिसकी मुझे कब से तलाश है। आगे मेरे पास वो कहती हैं कि वैसे आप टेंशन में काफ़ी क्यूट लगते हैं। ऑल द बेस्ट सर। और अचानक इम्तिहान की घंटी बज गई और मैं एग्ज़ाम देने अंदर चला गया। एग्ज़ाम जाते जाते मैं जा ही रहा था कि उन्होंने पीछे से आवाज़ लगाई कि मिलना। हमने कहा कि हाँ वही, हम मिलेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि दस्तूर रहा ना तो मिल ही लेंगे। एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं लौटा एग्ज़ाम के बाद, तो अब बस एक ही मकसद था जीवन में कि मीरा को खोजना है। स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पे कोशिश की, पर मीरा कहीं नहीं मिले हमें। हताश लौट ही रहा था कि बटवे में से 10 का एक नोट निकला जिस पे एक ओर दस्तूर लिखा था और दूसरी ओर मीरा का फ़ोन नंबर। तो ये एहसास हुआ ना कि वो लोग जो कहते हैं कि ज़िंदगी में उन्हें मोहब्बत एक बार होती है, वो झूठ कहते हैं। मैंने उन्हें कहा कि हाय, चाय? उन्होंने कहा कि जयपुर के आज़ाद चौक पे सबसे फेमस चाय मिलती है, आएंगे ना? बात सिर्फ इतनी सी है कि अगली बार आपसे कोई खूबसूरत सी लड़की आपका लोअर बर्थ मांगे ना, तो उसे ज़रूर देते। शुक्रिया।